अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आपको बहुत ज़्यादा स्वागत स्वागत टाइप कोई चीज़ होती है वो आपको मेरे व्लॉग में बहुत ज़्यादा। और अब मैं यहाँ लगाने लगा हूँ विक्स। आपको उसकी मैं पहले पूरी स्टोरी बताता हूँ फिर लगाता हूँ कि उसकी स्टोरी ये है कि काफ़ी देर से मैं बाहर बैठा हुआ था, तो ना थोड़ा बाइक वगैरह का कुछ काम था, ऑयलिंग करनी थी, मतलब ब्रेक वगैरह पे, और वो सारा काम घूम कर रहा था। उसके बाद मरियम के साथ बाहर खेलने लग गया, पान वाला भी बाहर ही था। हुआ क्या कि ना हवा चली और बड़ा मज़ा आया, मज़े की हवा थी, लेकिन मुझे जुकाम है। उस वजह से मैंने पान वाले से पूछा कि यार मुझे जुकाम है, मैं क्या करूँ। तो उसने मुझे एक आइडिया दिया, कहता विक्स पड़ी है तो विक्स लगाओ। अब मैं यहाँ पे इस हिस्से में कह रहा था विक्स लगाओगे तो ये जुकाम सही हो जाएगा, ट्राई करते हैं। उसकी मान के उसने जो कहा वो काम करता है कि नहीं, लगाते हैं। फिर जो मुझे कहा गया था वो तो मैंने कर लिया, विक्स लगा लिए, और अब देखते हैं इसका कैसा असर होता है कैसा नहीं। उम्मीद है कि पान वाले की बात सच हो जाएगी, जो कि मेरा एक गार्ड है, सेफ्टी इज़ द बेस्ट सेफ्टी, उसने मुझे कहा मैंने कर लिया। अल्लाह करे सही हो जाए, अब देखते हैं, थोड़ी देर वेट करते हैं। वैसे फ़र्क लगना अभी से शुरू हो गया, अच्छी चीज़ है। अब देखते हैं क्या होता है, ये तो अभी कोई आधे घंटे बाद ही पता चलेगा। आपसे बाहर जाके मिलता हूँ। सही बात है यार, उसने कहा तो सही था, वाकई बाहर आया हूँ, काफ़ी ज़्यादा सही हो गया मेरा, और सही स्मेल भी आ रही है और सारा कुछ खुल भी गया है। और ये देखें कितनी प्यारी ये मीनार सजाया हुआ, कितना प्यारा लग रहा है, लाइट चल रही है इसके ऊपर। ये रमज़ान, ये जो ताकरातें आई हैं उसकी वजह से उन्होंने सजाया है, और ये माशाल्लाह काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये सामने ये होटल का कुछ काम कर रहे हैं, ये देखें यहाँ तरपाले साफ कर रहे हैं, ये तरपाल साफ करके ये अपने होटल पर डालेंगे। ईद के बाद जो कि इन्होंने खोला, यहाँ इनके ऊपर काम हो रहा था, घर बन रहा था, तो ना उस वजह से इन्होंने यहाँ होटल के आगे इंटर रखवाई हुई थी, जहाँ काफ़ी मिट्टी पड़ गई थी, तो उस वजह से अब सही कर रहे हैं। यहाँ भी ये सारा स्टैंड साफ हो गया, क्लियर हो गया, यहाँ गाड़ियाँ होती थी सारी निकल गई हैं, क्योंकि ईद है, ईद के वक्त इधर सारा कुछ खाली हो सकता है, आप इधर जो मर्ज़ी खेलें जो मर्ज़ी करें आपको कोई नहीं रोकेगा। ये देखें चिल मॉल, अपना पान वाला भी इधर ही है, ये पत्थर पड़े हुए। ये तो गलत बात है, वाकई गलत बात है। आपका क्या कहना है इस बारे में? मेरा ख्याल है अच्छा ही किया। अच्छा ट्राइबल पीपल ट्राई। और सुबह भी एक लड़का मेरे से पूछ रहा था आगे, पता नहीं व्हाइट कलर के कपड़े पहने थे, क्यों आपने बताया? वो चैनल बना रहा है आपके पापा के साथ मिलकर। मेरे पापा के साथ मिलकर मेरी वीडियो क्यों बना रहे हो? क्योंकि आई एम ऑल्सो यूट्यूबर। ओके, क्या नया दिखाना चाहते हो आप? कुछ भी नहीं, आपका काम दिखा रहे हैं, जो आप मेहनत कर रहे हैं, मेहनती लोग हैं आप। हाँ, मुझे मशवरा दो, ये तंदूर को कैसे नीचे फेंका जाए? ये मेहनती लोग हैं, ये देखे सारा ये गंद, और ये होटल है इसका सही घर है, वो सामने हमारा घर है। ये वैसे बेलचे से निकलेगा, बेलचे से करो। आप अभी इधर खड़े नहीं हो पाओगे, जाओ करो, मैं जा रहा तंदूर की सफाई हो रही है, जब सफाई होगी उसके बाद नया तंदूर बनेगा, फिर आगे से रोटियां लगना शुरू होंगी। ये चोर क्या कर रहा है? चोर, आपकी टेक्निक काफ़ी हद तक काम कर गई है। और ये देखे दूसरों के मीटर में
टॉर्चे लगा रहे हैं ताकि टॉर्च चार्ज हो जाए। क्या बात है, वेरी नाइस वेरी नाइस। अच्छा बात सुने, आपने कहा था विक्स लगवा, मैंने लगा ली ये यहाँ और नाक के ऊपर, काफी हद तक खुला लेकिन मुझे नहीं लग रहा पक्का होगा, हल्का फुल्का है अभी भी। कैमरा गंदा है यार, मैं सब ढोल लगा है और वो पता क्या कह रहा है, कहता रोजेदारो उठ जाओ, रोजे का वक्त हो गया है, अफतारी कर लो। ये सामने पहन रहा इधर मोहल्ले में बोल के गया, और ये लफ्ज बोल के गया, मुझे समझ नहीं आ रही है क्या बोल के गया, लेकिन ये कुछ ना कुछ बोल के लोगों को उठाने के लिए आया था और वही करके गया है। वेरी गुड, लगे रहो। आपको क्या हुआ, गुस्से में लग रहे हो यार? यहाँ नहीं खड़ा हुआ, जहाँ कपड़े गंदे होंगे। करो करो, मेहनती लोग है बेचारे का काम कर कर क्या हालत खराब हुई हुई है, बंदा उसको क्या बोले। अच्छा और काफी, हेलो हेलो, क्या बोली जा रहे हैं? ये रिक्शा कहाँ लेके जा रहे हैं भाई? ये रिक्शा कहाँ लेके जा, और ये क्या, और ये क्या निकल आया, शीशा टूटा है? बस शीशा ही नहीं है यार। ओ भाई हाथ पीछे, ये देखे ये मेरा रिक्शा है, ये मैंने नया खरीदा है भाई, शीशा लगने वाला है बाकी और सारा। यार मैं ये स्क्रीन साफ करने के लिए हाथ चला रहा हूँ तो ये स्क्रीन किधर गई है? चोरी हो गई है। अच्छा इसका ये फायदा, पहला फायदा तो ये है कि आप इसमें से कोई भी चीज दे सकते हैं और ले सकते हैं, बंदा पकड़ना हो, लड़ाई हो जाए किसी से, ऐसे यहाँ से पकड़ ले। हाँ जी यार, ये शीशा किधर गया इसका? शीशा चुकिया गया। अच्छा रिक्शा काफी, आप लोग देख सकते हैं, ये देखे चेक करे, शीशा साफ कर, शीशा साफ हो रहा है। इसको सीधा करके ना, समझ आई कुछ? ये इसका स्पीडोमीटर है, ये 530 तक जा सकती है, ये आप चेक कर सकते हैं। ये इसका और क्रूज कंट्रोल है, ऐसे कर देंगे खुद ही जाएगी। ये इसका बटन है, ये इससे उड़ने लग जाएगा। और ये देखिए ऑटो रिट्रैक्टेबल मिरर है, ऐसे अपने आप ही खुल जाते हैं, ये यहाँ से भी अपने आप खुल जाते हैं। और बस ऑटो ब्रेकिंग है, रिवर्स गियर भी है, बस A1 हो गया मेरा रिक्शा। A1 चीज़ है, पीछे सोने का इंतज़ाम भी है, पूरा बेड है, पूरा बेड है, आप कहीं भी होम मेड है पूरा, और कहीं भी आप ले जाएं, आपने सोना है, आपने कुछ भी करना है ले के जा सकते हैं आप। और ये ऑटो डिमिंग लाइट है, प्रोजेक्शन हेडलैम्प है, और बस एयरमेटिक सस्पेंशन है, बस ये कुछ है इसमें। और इसका शीशा टूटा हुआ, बहुत ही कमाल का रिक्शा। ये भी एक इसका बहुत अच्छा पॉइंट है, इधर से आप कुछ भी, और ये माइक है, ऐसे आप ये रख के ना ऐसे, और ना आप इधर से ऐसे ओ, इसका शीशा नहीं है, इस तरह हो रहा है। ये मैंने भी इसकी सवारी करनी, मैं इसको चलाना चाहता हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि शीशे। अच्छा लोगों ने, मैं यही कह रहा हूँ ना कि हम ब्लॉग पागल हैं। मजाक कर रहे हैं यार, अभी लगे हुए चोले मार रहे हैं। ये कल एक्सीडेंट से टूट गया था यार, हम इसलिए अभी पता नहीं किसका रिक्शा है। ये शीशा फिर आपके पास टूटा है? नहीं पहले का टूटा था भाई साहब। अब सैरी का टाइम हो गया तो अब सैरी करते हैं जल्दी जल्दी, आप भी फिर निकलें, बाबा चमन माया तो निकलें आप। ये इनकी दुकान है छोटी सी, ये देखिए ये क्या बात है। तो मिल गया बैग, हेलो हेलो कैब गजरी हुआ, हेलो हाय।
टाइम है, मैं उठ गया हूँ, अब मैं जा रहा हूँ कटिंग कराने, क्योंकि बाल काफ़ी अजीब जो है, हालत काफ़ी ख़राब है, कटिंग करा के फिर आता हूँ। पहले पानी लेने गया हुआ था, पानी वगैरह भी लेके आया हूँ, और घर का काफ़ी सामान था वो लेके आ गया, अब जा रहा हूँ कटिंग कराने, आप साथ चलें। तो ये है यार अपनी कुछ फाइनल लुक, और अभी नहाने के बाद असल लुक क्या है, नहाने के बाद ना यार, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं कि बाल बैठ जाते, शैम्पू करूँगा बाल बैठ जाएंगे, ऐसे नहीं रहेंगे, तो इसलिए मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ कि ऐसा कुछ मैंने करवा लिया, और ईद के लिए सही है ये, तो ईद पे जा रहे हैं, रिश्ता लेने तो भी जा रहे हैं। अच्छा तो अब मैं नहा दूँ कि फ्रेश होता हूँ, फिर स्कूल से लेटूँगा, आपसे नहा के थोड़ी देर बाद मिलेंगे इफ्तारी के टाइम। यार कुछ निकल के आई है मेरी फाइनल लुक, नहा लूँ जब मैं सही फारग हो गया हूँ, और ये देखते हैं बाल जैसे मैंने कहा था बैठ जाते हैं, नहीं अच्छे लगते, वही होगा तो ये बाकी बैठ जाते हैं, वो अच्छे नहीं लगते, तो हम आज का व्लॉग इधर ही ख़त्म करते हैं, दोबारा मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, इसके काम चेक करें, ब्लॉग उतार है भाई। अच्छा दोबारा मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, अल्लाह हाफिज़।